Hello my dear YouTube family, welcome to my channel Medico Study Point. Myself Doctor Vikas Yadav. So in today's video we are going to discuss about कि NEET 2022 एग्जाम के अंदर तुक्के कैसे लगाएं, तुक्के I mean गैस कैसे करें कि भैया एक क्वेश्चन है और उसके चार ऑप्शंस हैं तो कौन सा वाला हम गैस करके लगा सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो यार और बेल आइकन को प्रेस कर लो क्योंकि अब आपके एग्जाम के बाद रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो बच्चों, मैं 2 साल से फ्री में काउंसलिंग करा रहा हूँ तो आप लोगों को अगर फ्री में काउंसलिंग करवाना है चैनल सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो जो भी डाउट है आपको। तो अब बात करते हैं कि भैया कैसे लगाना। तो सबसे पहले तो यार हाथ जोड़कर बनती है, प्लीज ये वाले तुक्के मत लगाना कि जय माता दी आंख बंद करके जहां पे पेन गिराया मैंने, चलो भाई 4th ऑप्शन पे गिर गया ये सही है, चलो भाई B ऑप्शन पे गिर गया ये सही है, चलो A ऑप्शन पे सही है ये है, मुझे जय श्री राम जय माता दी। प्लीज डोंट डू लाइक दिस, ऐसे तुक्का नहीं लगाना। इस वीडियो के अंदर मैं लॉजिकल पॉइंट्स आपको बताऊंगा हाउ यू कैन गेस द आंसर, ठीक है। पहला ये। दूसरा स्टेप, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भैया हमने सुना है बहुत सी बार कि बी ऑप्शन आता है तो हर चौथे आंसर में बी 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 लगा दे, या भैया हमने सुना है ए बी सी डी 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 ऐसा कर दे। प्लीज यार गाइस आई एम रिक्वेस्टिंग, ये कोई भी तुक्का टेक्निक नहीं होती। एग्जामिनर आपके इनको देखकर पेपर नहीं बनाता कि नहीं मैं बीबी ऑप्शन दे दूं, मैं सीसी ऑप्शन दे दूं, मैं डीडी ऑप्शन दे दूं, ठीक है। प्लीज यार ये सारे तब ऐसे इनसे आप नेगेटिव में और चले जाओगे, जो नंबर आ रहे होंगे आपके वो और कम हो जाएंगे तो ऐसे नहीं लगाना है। फिर कैसे आपको गैस करना है लॉजिकली मैं आपको बताता हूं। पहली चीज आ जाती है, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि भैया अगर आपके पास 4 क्वेश्चन है और उन क्वेश्चंस के अंदर आपके 4 ऑप्शन है और उनमें ऑल ऑफ दी आंसर है, कहीं पे भी मतलब मान लो 2-3 ऑप्शन दिए और लास्ट में ऑल ऑफ दी दिया तो 90% चांस होता है उस क्वेश्चन का कि आंसर ऑल ऑफ दी अबव आएगा। ये फिक्स्ड है, मतलब आप पुराने 10 साल के पेपर उठा के देख लो, जो भी ऑल ऑफ दी वाला क्वेश्चन आपको मिले आप देखना 100 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर ऑल ऑफ दी अबव होता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये आपको चेक करना है। ये उन बच्चों के लिए है बेसिकली जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्हें यू नो डाउट है कि नहीं भैया ये करे नहीं करे, बहुत सारे क्वेश्चन डाउट में छोड़ दिए वो। बाकी जिनको 100% खुद की नॉलेज पर विश्वास है, जो पढ़ के आया, उनको ये तुक्के लगाने की जरूरत नहीं है, गैस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप याद रख लिया, ऑल ऑफ द अबव इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड पे आ जाते हैं भैया, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत बार देखा गया है कि जिस भी ऑप्शन में 0 लिखा मिले आपको 100% उस क्वेश्चन का आंसर 0 होता है। मैं बोल रहा हूं बहुत बार ही देखा गया है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि 100% मतलब भैया अगर आया तो 0 ही आंसर होगा, भाई बहुत सी बार एग्जामिनर चेंज भी कर देते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स अगर आपको नहीं आता फिजिक्स का क्वेश्चन, आपको लग रहा है बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं यार कुछ और कर लूं, तो आप 0 वाले जो भी ऑप्शंस हैं उनको आंसर टिक कर सकते हो। ये भी देखा गया है बहुत सी बार, आप पुराने 10 साल के पेपर उठा के देखो 0 वाला क्वेश्चन देखो, आप देख लेना, ठीक है। मेरी इस वीडियो को देखने के बाद पहले वहां जाके क्वेश्चन देखना, फिर बाद में आके मुझे थैंक यू बोल देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया थैंक यू ऐसा ही हो रहा है। ये सेकंड चीज हो गई। थर्ड चीज पे आते हैं भैया, थर्ड चीज पे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते होंगे जो 2 ऑप्शंस को आराम से एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। भैया 4 ऑप्शन दिए, 2 ऑप्शन तो मैं हटा देता हूं कि ये तो आंसर होगा ही नहीं, अब मैं 2 में फंस जाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यार वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप 2 में फंस रहे हो देन द कम्स ऑफ रोल ऑफ एनसीईआरटी। तो अगर आपने कभी ना कभी यू नो जन्म में पुराने कभी 1-2 साल पहले अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपके दिमाग में क्लिक जरूर करेगा कि यार ये वर्ड मैंने एनसीईआरटी में तो पढ़ा है कहीं ना कहीं। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि एनसीईआरटी में पढ़ा है उससे रेलेवेंट है, उसको आंख बंद करके टिक कर दो। क्यों? क्योंकि आपका जो एनटीए है वो पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही बनाता है, मतलब वही ऑप्शन आंसर जाएगा। बहुत सी बार क्वेश्चंस आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनके ऑप्शंस ही हमने कभी लाइफ में नहीं सुने होते। ये आप लोग के साथ नहीं होता, सबके साथ होता है, वो ऑप्शंस ही बिल्कुल यू नो इधर उधर बड़े स्टैंडर्ड बुक से ले ला के डाल देते हैं, फिर क्या करें। लेकिन उनमें एक ऑप्शन ऐसा होता है जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे 100% जो 3 ऑप्शन आपने कभी नहीं सुने कभी नहीं पढ़े उनको हाथ भी नहीं लगाना है, जो ऑप्शन आपने एनसीईआरटी में कभी भी रीड किया है सिर्फ उसको टिक कर देना, 100% आपका आंसर सही हो जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल सारी प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूं आंसर गैस करने की, तुक्का लगाने की, ठीक है। ये कोई भी आपको ये नहीं है कि शकला कबूम बूम ये वो हुला हुला बोलू बी 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 सी डी, इट्स नॉट लाइक दैट गाइस, ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकली आपको पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इनको फॉलो कर लीजिएगा अगर आपको जरूरत पड़े तो। एंड द लास्ट स्टेप इज दैट यार कि जितने भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हो आप देख लेना कि भाई आप इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो कि सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपको लग रहा है बहुत कम अटेम्प्ट कर रहे हो देन जस्ट प्लीज इन तुक्के वाली ट्रिक्स को जरूर अपनाना और पेपर में अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। और जिनको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, अच्छे से पढ़ के गए, तो आपको ये तुक्के और गैस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यार वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर तो आप कर दोगे मुझे पता है, जरूर से जरूर, क्योंकि आपके दोस्त भी यही सोच रहे होंगे कहीं ना कहीं से ऐसी वीडियो मिल जाए कि तुक्का कैसे लगाएं। और चैनल को सब्सक्राइब आप डेफिनेटली कर ही लोगे यार, अगर आप लोग को मेरी मेहनत दिख रही होगी कि मैं MBBS इंटर्न होने के बाद भी यहाँ के आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे, लाइक कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस, प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।